अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। से हाय कैन यू पाई, से हाय हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय बोलो, हेलो कैन यू पाई। ये मेरा भाभी का बेटी है, मामा का, तो मेरा साथ बिस्तर पे आया है। अभी जब मैं वीडियो खत्म करने वाली आ गया तो मैंने फिर से ले लिया। मैं क्यों उधर देखो ना, मम्मा का पुत्र। से हाय हाय बोलो, क्या कर रहे मुँह पे, देखो आ करो आ, ची ची क्या कर रहे है, देखो निकलो निकलो के नहीं पा, निकलो निकलो, यो क्यों कर यो पायल कर रहे। देखो मैं सोच रही थी चॉकलेट कर रही, पायल करे खुद का पायल, पैर का पायल को कर रहे के नहीं पा, ची ये पायल है, नहीं खाते इसको, पैर में पहनते नहीं खाते। लंच खाएगा, डिनर खाएगा सोच रहा था, अभी तक नहीं हुआ, वेट कर, बहुत भूख लग रहा है। देखने से तो नहीं लगता है भूख लग लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत मोटी हूँ, मुझे बहुत भूख लग रहा है। दिन को सिर्फ लंच किया था, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, एग्ज़ाम देने चला गया था, अभी बहुत भूख लग रहा है। भाभी लंच बना रहा, मैं तो हेल्प भी नहीं कर रही, तो किस तरह से मैं बहुत लेजी हूँ, काम करना अच्छा नहीं लगता है, खाना अच्छा लगता है। कैन यू पाई कैन यू पाई कैन यू पाई, देखो कैन यू पाई। मांगू खुदा से बातें कही ये तू बोलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ। अगर ये गाना आप सभी को अच्छा लगा तो बिग थम्स अप देना, क्योंकि मेरा फेवरेट सॉन्ग है। इसे डिनर हो गया कि नहीं हो गया किचन जाके, केनी पाई को भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, पायल का रहा था, भूख लग रहा है केनी पाई, भूख लग रहा है। आप भाभी खाना नहीं हुआ है क्या अभी तक, लंच डिनर? डिनर ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन है। मुझे बहुत भूख लग रहा है, तो मैं किचन पे आई हूँ। भाभी ने कहा 2 मिनट रुकने के, तो मैं रुकती हूँ 2 मिनट। ये मेरे क्यूट भाभी, देखो लोकल वेजिटेबल है ये, भाभी ने पकाई है डिनर के लिए, तब ये डिनर में सर्व करेगा। नॉर्थ ईस्ट वाले बेम्बो सूप के साथ यही वेजिटेबल खाते हैं, और लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब में खाते हैं ऐसा। ये पम्पकिन का लीव्स है, पम्पकिन का लीव्स को बॉईल करके बेम्बो सूप के साथ बॉईल करते हैं और डिनर में सर्व करते हैं। किचन में लंच कर, डिनर करने आई हूँ, बार बार लंच लंच बोलता है, डिनर का टाइम है तो किचन में आई हूँ डिनर करने। अभी मैं डिनर करूँगी, बहुत भूख लग रहा है, बहुत जोर से छुए दो मतलब पेट में, बहुत भूख लग रहा है, बता भी नहीं सकते कितना भूख लग रहा है। भाभी डिनर टेबल पे, हाय बोलो, से हाय। La 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 la
रानी क्या खुद का स्कूटी धो के कैसे लग रहा है? सुकून महसूस हो रहा है। ये मैंने कभी फेस नहीं की थी, कभी नहीं सोचा था मैं खुद की स्कूटी खरीद और खुद दिला। तुम इतना भी गरीब हो गया कि उसको कार वाश सेंटर नहीं ले जा सका? नहीं, मैं 100 रुपए क्यों लॉस करूं, ताकि मेरे हाथ इतनी अच्छी है अभी तक। कंजूस का लिमिट क्रॉस कर दिया रानी। ए, कुछ नहीं, बुन बुन से सागर बनता है, बुन बुन से मैं फॉर्च्यूनर कर देगा। देखो ना, तुम कौन बोल रहे थे ऐसे करेगा उनके? हम लोग कभी भी ऐसे कपड़ा ब्रश को गाड़ी धोने में यूज नहीं किया। शॉप कर रहे हैं, उसमें क्या है? नया खरीद दो। एनी हाउ तुम ही तो बोला है बुन बुन से सागर बनता है, अभी खरीद देना पड़ेगा 30 हो या 20। कपड़ा से करते तो स्कूटी को सावर जेल भी खरीद दो अलग से। हम गलती से रानी के पकड़ को खींच दिया और 2 सेकंड के लिए। हाय, कैसे हो? बहुत दिन का बाद मिला आप सभी को, और आप लोग का संडे अच्छा ही गया होगा और मेरा संडे भी ठीक है। आज एनईटी का एग्ज़ाम था, मैंने एग्ज़ाम देने गया केंद्र विद्यालय टू पे, और एग्ज़ाम जो 3 घंटे का था, फर्स्ट पेपर 9:30 to 10:30 हुआ और पेपर 2:11 to 1 PM। मेरा एग्ज़ाम 2 PM पर ख़त्म हो गया था, मैम से परमिशन मांगा जाने को, मैम ने जाने नहीं दिया मुझे। पूरा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैंने निकला तो मैंने एग्ज़ाम खत्म होने के बाद मैंने परमिशन मांगा, तो मैम ने मुझे जाने दिया। उससे पहले जाने नहीं दिया तो मैं टेबल पे पड़ी थी सो के। उसके बाद भाभी जी आए मुझे लेने, तो भाभी जी के साथ मैंने चले गए घर, और घर पहुँच के लंच किया। लंच के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैंने अपनी स्कूटी सफाई की। स्कूटी लिए हुए 1 महीने हो गई, लेकिन मैंने मुझे चलाना भी नहीं आता ट्रैफिक पे, और मैं स्कूटी के पीछे ही बैठती हूँ। उसके बाद आज ही धुलाई है मैंने कुछ अपने यहाँ से, तो आपको दिखाऊंगी मैंने ब्लॉग पे। और संडे तो ठीक ही था, और आप लोगों का भी ठीक ही होता होगा संडे। बाहर बहुत पीछे ही घूम रहे मामा, क्या कर रहे पता नहीं, देख सकते थे क्या रहे। अभी रात का 10:10 PM प्रिपेयर हो रहा था, रात दिन का है ना काम भी दिन। बहुत पीछे गया, तेरी चाहतों से तरसे है, मांगो खुदा से बरसे है, जिंदगी मिलेगी। गाना गाना नहीं आते हैं फिर भी अच्छा लगता है टाइम पास गुनगुनाने, बाथरूम सिंगर में यार। हर वीडियो पे आप देखा होगा थोड़ा ना थोड़ा गाना गाते हैं, सिंगिंग करना अच्छा लगता है, तो सिंगिंग तो होता नहीं तो भी कोशिश करते टाइम पास के लिए। तो तब तक के लिए बाय, अगले ब्लॉग पे मिलेंगे।